हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आप सभी के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है टाटा कंपनी की तरफ से। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनी की पोजीशन के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इन टोटल 400 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें डिप्लोमा के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें डिप्लोमा के सभी ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिप्लोमा ट्रेनी की पोजीशन के लिए आपको 23,000 पर मंथ आपको इसमें CTC देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले जॉब अपडेट पाने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका प्लेसमेंट ड्राइव है और सभी प्रकार के जो निजी पॉलिटेक्निक है या फिर आपके जो राजकीय पॉलिटेक्निक है या फिर अनुदानित पॉलिटेक्निक है, सभी संस्थान को ये नोटिस भेजा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो वॉक इन ड्राइव के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। कंपनी का नाम है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है एक कॉलेज में आ रही है, अभी आपको हम आगे बताएंगे कौन से कॉलेज में आपको जाकर इंटरव्यू के माध्यम से आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 400 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये वैकेंसी आपको हमने पहले भी बताया था, लेकिन वहाँ पर क्या था कि वेन्यू अलग था और यहाँ पर जो वेन्यू है वो अलग है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वाइन द टाटा ड्रीम प्लेसमेंट ड्राइव इन कैंपस फॉर TEPL, यानी कि जो कंपनी का नाम है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में दिया गया है रीसेंट डिप्लोमा ग्रेजुएट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर बैच 2024, यानी कि अभी जिनका डिप्लोमा 2024 में कंप्लीट होने वाला है उन सभी के पास यहां पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ब्रांच से, मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज जो है इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज इसमें नहीं दिया गया है। सैलरी की बात करें तो आपको इसमें 2.8 लाख पर एनम का CTC देखने को मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कोई भी वेट एंड हाइट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। विजन की बात करें तो नॉर्मल विदाउट स्पेक्टलेस आपका विजन होना चाहिए। जॉब टाइप की बात करें तो आपका ऑन रोल जॉब होगा, जो कि परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है। इसके बाद बात करें इसमें आपका जॉब लोकेशन का, तो आपको तमिलनाडु, होसुर तमिलनाडु में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगा। जो आपका इसमें टेक्नीशियन पोजीशन होगा वो इंजीनियरिंग टीम मेंबर एज टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको कंपनी की तरफ से सभी प्रकार की बेसिक फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, लाइक कंपनी की तरफ से फूड फैसिलिटीज़ हो गया, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हो गया और ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। जिस भी कंपनी में एकोमोडेशन मिलता है वो काफ़ी अच्छी मतलब कि काफ़ी अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है एकोमोडेशन के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो जब भी आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद 6 सेमेस्टर अगर मार्कशीट है तो ठीक है, नहीं तो 5th सेमेस्टर का मार्कशीट, इसके बाद बैंक अकाउंट का डिटेल। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा, जहां पर आपको साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट देखने को मिलेगा, नॉलेज टेस्ट, और 1 by 1 करके एक एक स्टूडेंट का यहां पर HR के साथ डिस्कशन होगा। ठीक है, पोस्ट सिलेक्शन की बात करें, जो भी स्टूडेंट में सिलेक्टेड होंगे वो कंपनी की तरफ से मेडिकल फिटनेस के लिए यहाँ पर चेकअप होगा उनका। ड्राइव डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इस एड्रेस पर आपको जाना होगा। और डेट की बात करें तो काफ़ी समय है, जो भी इसमें स्टूडेंट जा सकते हैं वो जरूर से वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएं। 25 मई 2024 को 9 बजे से वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। बाकी कोई क्वेरी है आपको पूछना है तो यहाँ पर देख सकते हैं HR का नंबर भी दिया गया है, या फिर कॉन्टैक्ट, ये जो को नंबर्स हैं ये TPO के भी हो सकते हैं, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी जो है फीमेल के लिए है, तो अभी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो अगर आपका कोई आपकी कोई क्लासमेट है फीमेल में तो आप लोग उनको ये वीडियो जो है ज़रूर शेयर कर देना का, क्योंकि इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें इन्होंने मेंशन भी किया है कि पैन इंडिया इनको 400 फीमेल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। ठीक है, कुछ डिटेल यहाँ भी दिया गया है, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसमें अगर आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पर दिया गया है, ये लिंक आपको हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो भी फीमेल कैंडिडेट है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जरूर जा सकते हैं। इसमें यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरा कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यही एक अपडेट था, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट आएगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, लाइक इसका सिलेक्शन कब हुआ, ऑफर लेटर कब आया, इसमें कितना सैलरी मिलता है, ये सभी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर टाइम टू टाइम अपडेट देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए।